Hello all of you. Today we will going to start chapter 4. NCERT class 6 in English. ये आपका मैरीगोल्ड बुक से है और यूनिट 4 है ये. यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट. ओके, इससे पहले की सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको सारे वीडियो क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे मिल जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट्स रिसाइट दिस पोयम. रिसाइट मतलब गा के पढ़िए, रैमिंग में पढ़िए, ठीक है, इस पोयम को. नेम ऑफ दिस पोयम रेन. पोयम का नाम क्या है? रेन. रेन तो आप सबको पता है कि रेन क्या होती है. क्या होती है रेन? बारिश होती है. ठीक है, जब बारिश होती है तो बारिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं. ओके, फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन दिस पोयम एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी ऑल्सो. ओके, हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और एक्टिविटी भी करेंगे. So let's start. The rain is raining all around. चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है. यार देख रहे हो, चारों तरफ बारिश हो रही है. Raining मतलब बारिश होना. All around मतलब चारों तरफ. Rain आपको पता है बारिश, ठीक है. तो बारिश हो रही है चारों तरफ. ये देखो बादल इतने तेज तेज हैं और ब्लैक ब्लैक बादल हैं और चारों तरफ बारिश आपको दिखाई दे रही है. तो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि चारों तरफ बारिश हो रही है. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. हर तरफ बारिश ही बारिश है. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज. बारिश कहाँ पर हो रही है? फील्ड्स में हो रही है. फील्ड किसको बोलते हैं? खेतों को, ठीक है, या फिर जहाँ पर ओपन ओपन फील्ड होती है, जहाँ पे खुला हुआ मैदान होता है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल खुला होता है, सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फील्ड, या जहाँ पर सिर्फ खेत होते हैं, तो जो भी ओपन प्लेस होता है उसे बोलते हैं फील्ड, ठीक है. फॉल्स मतलब गिरना. तो बारिश है वो कहाँ पे गिर रही है? फील्ड में गिर रही है और पेड़ों के ऊपर गिर रही है. एंड ट्रीज इट्स फॉल्स ऑन फील्ड. ऑन मतलब ऊपर, फील्ड मतलब जगह पर ऊपर, खुल खेतों में बारिश हो रही है और ट्रीज पर पेड़ों पर बारिश हो रही है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला. हियर अब बच्चा कह रहा है कि जो बारिश है वो अम्ब्रेला पर भी हो रही है. अम्ब्रेला किसको बोलते हैं? छाते को. इन देखो बच्चों ने छाता लगा रखा है ना. आपको भी जब बारिश बारिश होती है तो मम्मा आपको भी छाता देकर भेजती है ना, अम्ब्रेला देकर, कि जिससे कि आप अपने आप को गीला ना कर लें. अगर आप अपने अम्ब्रेला लगाएंगे तो आप गीले नहीं होंगे, ठीक है. और जो बारिश का पानी है वो कहाँ पे गिरेगा? अम्ब्रेला के ऊपर गिरेगा, छाते के ऊपर गिरेगा, और आप बारिश के पानी से नहीं भींगेंगे, ठीक है. तो बच्चों ने भी क्या किया है, बारिश से भींगने से बचने के लिए इन्होंने भी अम्ब्रेला लगा रखा है, ठीक है. तो इट्स रेन ऑन अम्ब्रेला. बारिश जो है वो अम्ब्रेला पर भी हो रही है, अम्ब्रेला के ऊपर गिर रही है. हियर एंड ऑन द शिप एट सी. और जो समुद्र में जो जहाज हैं उन पे भी बारिश हो रही है. आपको पता है समुद्र में बहुत सारे शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं. सी किसको बोलते हैं? समुद्र को. और शिप बोलते हैं जो समुद्र के जहाज होते हैं, पानी में चलने वाले, ठीक है, बड़े छोटे बहुत तरह तरह के होते हैं. तो वो बच्चा कह रहा है कि बारिश जो है वो समुद्र में शिप पर भी गिर रही है, जहाजों पर भी गिर रही है, ठीक है. तो यहाँ की छोटी सी पोयम थी, आपको इसे लर्न करना है अच्छे से. कैसे आप पढ़ेंगे? द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज. हियर एंड ऑन द शिप एट सी. ठीक है, छोटी सी पोयम है, आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी. नाउ सी द न्यू वर्ड. हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं इसमें? फील्ड. फील्ड आपको पता है, फील्ड खेत को बोलते हैं, या फिर ओपन स्पेस जो होता है उसे फील्ड कहते हैं, ठीक है. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाते को बोलते हैं जो कि हमें पानी से बचाता है, ठीक है. शिप, शिप कहते हैं पानी वाले जहाज को, ठीक है, जो कि जहाज पानी में चलता है उसे बोलते हैं शिप, ठीक है. तो ये न्यू वर्ड है, आपको कैसे लर्न करना है इनको? स्पेलिंग के साथ FIELD फील्ड, ठीक है. स्पेलिंग आपको बोल बोल के लर्न करनी है. अम्ब्रेला UMBRELLAS अम्ब्रेला. शिप SHIPS शिप, ठीक है. ऐसे आपको इनको लर्न करना है. नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन. रीडिंग इज फन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द रेन फॉल. बारिश कहाँ पर हो रही थी? तो बारिश कहाँ कहाँ हो रही थी? रेन फॉल्स एट अराउंड.
रेन जो है वो हर जगह हो रही थी, ठीक है, चारों तरफ रेन हो रही थी, चारों तरफ बारिश हो रही थी, फील्ड में बारिश हो रही थी, ऑन फील्ड, ऑन ट्रीज, पेड़ों पर हो रही थी, फील्ड में हो रही थी, मैदान में हो रही थी, ऑन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पर भी हो रही थी, एंड शिप्स, और जहाज पर भी हो रही थी, जो कि पानी वाला जहाज होता है, उसमें भी समुद्र में जो पानी के जहाज चलते हैं, समुद्र में जो जहाज चलता है शिप, उसे बोलते हैं शिप, ठीक है, उस पर भी बारिश हो रही थी। तो आप क्या लिखेंगे, रेन फॉल्स ऑल अराउंड ऑन फील्ड्स, ऑन ट्रीज, ऑन अम्ब्रेलाज एंड शिप, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो लोग क्या चीज यूज करते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, अपने आप को हम गीले ना हो जाए, हम सूखे रहे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं, ठीक है, बारिश से खुद को बचाने के लिए, या फिर और क्या यूज कर सकते हैं, रेनकोट यूज कर सकते हैं, है ना। जब आप स्कूल जाते हैं तो मम्मा, आप जब बारिश के मौसम, मम्मा आपको क्या देकर भेजती है, छाता देकर भेजती है, अम्ब्रेला या फिर रेनकोट पहना के भेजती है, ठीक है। आप रेनकोट पहन के जा सकते हैं, अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं, या फिर इससे क्या होगा, आप पानी से बच जाएंगे, आपको पानी भींगा नहीं पाएगा, आप वेट नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे, ठीक है। पीपल यूज अम्ब्रेला व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, ठीक है, तब लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं या फिर रेनकोट यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक मतलब बात करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे, जब रेनी डे मतलब जब बारिश के दिनों में, रेनी डे का मतलब क्या होता है, बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों में आप क्या करते हैं, तो आपको बताना है कि बारिश के दिनों में आप क्या करते हैं। आई मेक बोट्स ऑन ऑफ पेपर एंड फ्लोट देम ऑन वाटर, क्या करते हैं, जब बारिश होती है बहुत ज्यादा और चारों तरफ पानी भर जाता है, तो क्या करते हैं, एक पेपर की बोट बनाते हैं, पेपर से नाव बनाते हैं, ठीक है। बोट्स किसको बोलते हैं, नाव को, पेपर से नाव बनाते हैं और उसे पानी में तैरा देते हैं, फ्लोट मतलब तैराना, ठीक है, फ्लोट देम ऑन वाटर, और पानी में उसे तैरा देते हैं, अच्छा लगता है ना, मजा आता है। तो जब भी बारिश के दिनों में हम क्या करते हैं, आई मेक बोट्स ऑन पे ऑफ पेपर, पेपर की बोट बनाते हैं, पेपर की नाव बनाते हैं, एंड फ्लोट देम, और उसे तैरा देते हैं, किसमें, पानी में, ऑन वाटर, फ्लोट मतलब तैराना, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन रेन, जब बारिश होती है तो आप अपने आप को ड्राई कैसे रख सकते हैं, आप अपने आप को सूखा कैसे रखते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। वाय वियरिंग रेनकोट, आप रेनकोट बियर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर होल्डिंग एन अम्ब्रेला, या फिर अम्ब्रेला पकड़ सकते हैं। आई कीप माई सेल्फ ड्राई इन रेन, रेन में अपने आप को ड्राई करने के लिए, अपने आप को सूखा रखने के लिए, बाय बियरिंग रेनकोट्स, रेनकोट हम बियर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, या फिर होल्डिंग एन अम्ब्रेला, या फिर अम्ब्रेला ले सकते हैं, छाता ले सकते हैं। आई कीप, कीप मतलब रखने के लिए, माई सेल्फ मतलब अपने आप को, ड्राई मतलब सूखा, इन रेन बारिश के से, बारिश से बचाने के लिए, बारिश में अपने आप को सूखा रखने के लिए हम रेन का यूज, रेनकोट यूज कर सकते हैं या फिर अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, बाय बियरिंग, रेनकोट तो पहनते हैं ना, तो पहनने को क्या लिखोगे, बियरिंग, बाय बियरिंग रेनकोट, या फिर होल्डिंग एन अम्ब्रेला, या फिर अम्ब्रेला ले सकते हैं, या फिर बियर कर सकते हैं रेनकोट को, ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, क्या आपको पानी में खेलना पसंद है, तो आप बताइए आपको पानी में खेलना पसंद है कि नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी जरूर पसंद होगा, तो आप क्या लिखेंगे, यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर, मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर, पानी में खेलना मुझे बहुत पसंद है। जब बारिश होती है तो हम भी खेलने निकल जाते हो ना, बारिश में पानी के, जब बारिश होती है पानी चारों तरफ भर जाता है, खेलने में कितना मजा आता है, तो आप क्या लिखेंगे, यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज से व्हाट थिंग्स लिव इन
वाटर, थिंग्स मतलब चीजें, ठीक है। अब आपको बताना है, आप बताइए पानी में क्या क्या चीजें मिल सकते हैं, कौन कौन रहता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं लिव मतलब रहना, ठीक है। तो पानी में कौन कौन रहता है, पानी में रहने वाले क्रिएचर्स के बारे में आपको बताना है। तो पानी में आपको पता है फिश पानी में ही रहती है, ठीक है। तो फिश का तो पानी, पानी ही उसका जीवन है। पानी अगर वो उसे आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो मर जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए तो उसकी लाइफ क्या है, पानी है। फिश की लाइफ ही पानी है, वाटर है, ठीक है। तो पानी में फिश रहती है, और फ्रॉग्स, फ्रॉग्स भी पानी में रह लेते हैं, ठीक है। जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स किसको बोलते हैं, मेंढक को, तो ये भी पानी में रहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग्स वाटर में रहते हैं। क्रेब, क्रेब भी एक तरह का क्रिएचर होता है, ये भी पानी में रहता है। डक, डक भी पानी में रह लेती है, ठीक है। एक्सेट्रा, लिव इन वाटर, ये सब कहाँ है, पानी में रहने वाले, पानी में ये रह लेते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले क्रिएचर हैं। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। लेट्स लिसन मतलब सुनते हैं, लिसन मतलब सुनना। हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, क्या आपने रेनफॉल का साउंड सुना है, रेनफॉल की आवाज सुनी है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो आपको पता है इसकी आवाज आती है, बारिश की, बारिश का साउंड होता है जब बहुत तेज बारिश आती है। तो क्या आपने कभी सुना है, तो आपने अगर सुना है तो आप बताइए, और आपने सुना जरूर होगा बारिश का साउंड, तो आप क्या लिखेंगे, यस आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, हाँ मैंने बारिश का, बारिश की आवाज सुनी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यस आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का साउंड मैंने सुना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला के ऊपर बारिश गिरती है तो कैसा साउंड आता है, ठीक है। द रेन मेक द साउंड ऑफ टिप टिप ऑन द अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला पर बारिश का पानी गिरता है तो कैसा साउंड निकलता है, टिप 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 ऐसा निकलता है ना। तो क्या लिखेंगे आप, द रेन मेक्स साउंड, मेक्स मतलब बनाना, जब बारिश का पानी गिरता है अम्ब्रेला पर तो वो कैसा साउंड बनाती है, ऑफ टिप टिप ऑन द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पर टिप टिप का साउंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज, अब पेड़ों की पत्तियों पे जो का कैसा साउंड होता है, जब बारिश का टाइम होता है तो रेन कैसा साउंड बनाती है, रेन मेक ऑन लीव्स, जो पेड़ों की पत्तियां होती है ना उस पर भी पानी गिरता है तो वो फिर साउंड कैसा होता है, तो आपको बताना है, द रेन्स मेक्स द साउंड ऑफ टप टप ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उस पर बारिश का पानी गिरता है, फिर वो पानी कैसा होता है, फिर वो पानी धीरे धीरे करके नीचे गिरता है, तो वो साउंड कैसा बनता है, टप टप, ठीक है। कैसा साउंड बनता है, टप टप का साउंड बनता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टप टप ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री, ट्री की जो लीव्स होती हैं उन पर जो साउंड बनता है वो कैसा बनता है, टप टप का, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो, अब आपकी विंडो जो है, आपकी जो खिड़कियां हैं उस पर बारिश का पानी जब गिरता है तो कैसा साउंड बनता है, मेक ऑल दीज साउंड योर सेल्फ, अब ये साउंड आपको बताने हैं कि कैसे कैसे साउंड होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ थप थप ऑन माई विंडो, जब आपकी विंडो पे पानी गिरता है तो आवाज आती है, वो साउंड या आपने कैसी आवाज महसूस की है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द मेक्स द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टप टप या थप थप ऑन माई विंडो, जैसा भी साउंड आपने महसूस किया हो उस साउंड को आपको यहाँ पे लिखना है, बताना है, ठीक है। चलिए
अब आपको काउंटिंग क्लाउड्स, अब क्लाउड्स आते हैं उसको बोलते हैं बादलों को, ये बादल है ना, ये देखो छोटे छोटे बादल आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है क्लाउड्स, आपको बादलों को काउंट करना है, ठीक है। कंप्लीट द स्टोरी, ये स्टोरी एक दी है छोटी सी, क्या है स्टोरी, एज वन लिटिल व्हाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे मतलब एक दिन, एक दिन एक छोटा सा सफेद कलर का, ये व्हाइट कलर दिख रहा है ना, एक छोटा सा व्हाइट कलर का सफेद कलर का जो बादल था, क्लाउड था, वो तैर रहा था, फ्लोटेड कर रहा था, फ्लोटेड मतलब तैरना, ठीक है, वो वहां पर तैर रहा था, किसमें, आसमान पे, स्काई में, एक छोटा सा बादल आसमान में तैर रहा था। अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट, कम लेट अस प्ले, एक छोटा सा बादल और आया, ये देखो एक और छोटा सा बादल आया, उसने क्या कहा, अनदर मतलब एक दूसरा, लिटिल क्लाउड मतलब छोटा सा, कॉल्ड आउट, और छोटा सा बादल आया, उसने इसको बुलाया, उसने कॉल्ड आउट मतलब बुलाना, इसको बुलाया, उसने कहा कि कम यहाँ आओ, मेरे पास आओ, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बादल जो था व्हाइट कलर का, वो आसमान में, स्काई में तैर रहा था, घूम रहा था, ठीक है, एक दिन, तभी एक दूसरा छोटा सा बादल आया और उसने क्या किया, उसने उस बादल को बुलाया, कॉल्ड आउट मतलब बुलाया, और उससे क्या कहा, कम मेरे पास आओ और लेट अस प्ले, चलो हम खेलते हैं। फिर क्या हुआ, एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस इन स्काई सो ब्लू, और जो ब्लू ब्लू स्काई था, ये ब्लू ब्लू स्काई दिखाई दे रहा ना आपको, आसमान, इसमें वो दोनों जो बादल थे उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, वो दोनों बादलों में आसमान में नाचने लगे, ठीक है, जो एक और एक मिलकर दो बन गए थे ना, अब एक ये और एक ये, तो दोनों ने क्या किया, आसमान में नाचना शुरू कर दिया, ठीक है, और ब्लू स्काई, स्काई ब्लू होता है ना, ब्लू स्काई में ये दोनों नाचने लगे। Another little cloud asked, और तभी क्या हुआ, एक और छोटा सा बादल आया और उसने पूछा, Can I join you? क्या मैं आप लोगों को join कर सकता हूँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। एक दूसरा, एक और थर्ड नंबर का क्लाउड आ गया और वो पूछने लगा कि Can I join you? क्या मैं भी आपको join कर सकता हूँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो एक और छोटा सा क्लाउड आया ना ये, और ये इन दोनों से पूछ रहा है, क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। एज थ्री लिटिल क्लाउड्स, अब क्या हुआ, तीन छोटे क्लाउड्स हो गए, ठीक है, वन टू थ्री, देखो तीन क्लाउड्स हो गए ना छोटे छोटे, हेल्ड हैंड, अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, हेल्ड हैंड्स का मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया इन द स्काई, और आसमान में तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेलना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय, और ये जब तीनों बादलों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के आसमान में जब ये तीनों खेल रहे थे, तभी क्या हुआ कि विंड जो हवा थी, विंड कहते हैं मूविंग एयर को, ठीक है, जो मूविंग एयर थी, जो चलती हुई हवा थी, वो ब्लो करके, ब्लो मतलब बहाकर, ठीक है, ब्लो मतलब बहाकर, वो एक और छोटे से दूसरे लिटिल क्लाउड, एक और छोटे से क्लाउड को बहाकर ले आई उनके पास, वेरी क्लोज बाय मतलब बहुत पास ले आई, ठीक है। अब एक और नया क्लाउड आ गया, जो जैसे कि हवा बहाकर लाई थी, ये देखो अब एक और आ गया, अब कितने हो गए, अब चार क्लाउड हो गए, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब ये तीन तो पहले थे जिन्होंने हाथ पकड़ के ये खेल रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, एक और ये छोटा जो क्लाउड है, इसको ईयर जो है विंड, इसको उड़ाकर ब्लो करके इनके करीब ले आई है, पास में ले आई है, तो अब कितने हो गए, ये फोर क्लाउड हो गए, ठीक है। अब ये फोर क्लाउड बन के क्या करेंगे, ये देखो ये फोर क्लाउड थे, इन सब ने क्या किया, हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, हेल्ड हैंड कर लिया, हाथ पकड़ लिया। द एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, अब जो फोर क्लाउड हो गए थे, इन्होंने फैसला किया कि इनको क्या करना है, ठीक है। ये जो फोर क्लाउड्स हो गए, अब इन्होंने डिसाइड किया, डिसाइड मतलब फैसला किया कि अब ये क्या करेंगे। अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइंड देम वेरी क्विकली टू, और जो दूसरा एक ये छोटा सा क्लाउड दिखाई दे रहा है ना, ये एक और क्लाउड आ गया
और जल्दी ही इसने भी इन लोगों को, इन चारों को ज्वाइन कर लिया, इन चारों में ये भी शामिल हो गया। क्विकली मतलब, क्विकली टू मतलब बहुत जल्दी से। तो अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइन देम और दूसरा एक छोटा सा बादल और आ गया और उसने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया बहुत जल्दी से। अब इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें करना क्या है। तो अब कितने क्लाउड हो गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्लाउड हो गए, ठीक है। अब इन्होंने अभी क्या करेंगे सब मिलकर, अब आपको बताना है कि अब ये सब मिलकर क्या करेंगे। नाउ राइट व्हाट द 5th एंड द 6th क्लाउड डिड। अब आपको बताना है जब 5th क्लाउड आ गया और 6th, तो अब ये सारे मिलकर क्या करेंगे, अब आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, एज 5th लिटिल क्लाउड केम क्लोज लाफिंग, और जब 5th वाला क्लाउड जो था वो पास में आ गया तो सबने क्या किया, हंसना शुरू कर दिया। ये देखो सारे हंस रहे हैं ना, लाफिंग मतलब हंसना, ये सब हंसने लगे। कम क्लोज मतलब बहुत पास जब वो आया। अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइन देम होपली, और जो दूसरा जो लिटिल क्लाउड था, छोटा सा क्लाउड था, उसने वो कूदता उछलता कूदता आया और इनको उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इनमें वो भी शामिल हो गया। एज 6th लिटिल क्लाउड स्पॉक ऑफ व्हाइट एंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड्स ज्वाइन देम टू, और जो 6th वाला क्लाउड आया छोटा सा, उसने भी क्या किया, उसने बात की उनसे, ठीक है, और बात की और फिर उनको उसने सारे क्लाउड्स को जो पहले 5th क्लाउड हो गए थे उनको उसने ज्वाइन कर लिया। अब सारे क्लाउड कितने हो गए, अब 6th क्लाउड हो गए, ठीक है। अब ये 6th क्लाउड मिलकर क्या करने वाले हैं, आप बता सकते हैं कि ये सारे क्लाउड्स मिलकर क्या करेंगे, इतने सारे बादल हो गए, देखो कितने सारे बादल हो गए, ठीक है, चारों तरफ बादल ही बादल हो गए हैं। अब जब इतने सारे बादल हो गए तो ये क्या करेंगे, बारिश करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये बारिश तो जरूर करेंगे, आपको पता है जब आसमान में, स्काई में बहुत सारे बादल आ जाते हैं फिर क्या होती है, रेन होती है। तो इन्होंने फिर क्या किया, ये चारों तरफ आपको रेनिंग दिख रही है ना, इन्होंने बारिश करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बादल आते हैं फिर क्या होता है, बारिश होने लगती है। वर्ड फन, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द लेटर्स, आपको लेटर फिल करने हैं। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, ये आपको एक क्रॉसवर्ड दिया गया है, पजल है ये आपके लिए जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यूज पिक्चर एज क्लू, आपकी पिक्चर्स दी गई हैं, इनको यूज करते हुए आपको क्या करना है, इनको ये जो आपका पजल है उसे आपको कंप्लीट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे ये क्या है, ये स्नो की तरह है, ये स्नो जब जहाँ पे वो बर्फ गिरती है ना, तो वो जो स्नो फॉल होता है ना, स्नो की तरह ये है, ये क्या है, मून है, ये क्या है, क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है। तो इस तरह से ये सारे दिए हुए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है पिक्चर्स को देखते हुए, आपको पता करना है कि ये क्या है और इनकी पिक्चर की हेल्प से आपको इन सारे क्लू को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं कंप्लीट। तो ये क्या है, ये स्नो की तरह है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, स्नो कर सकते हैं। स्नो की स्पेलिंग क्या होती है फिर, तो एस, एस के बाद टू आपको फिल करने हैं, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे, एन और ओ, ठीक है, तो एस एन ओ डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है क्लाउड है और क्लाउड हमने बहुत सारा अभी ऊपर देखा था ना, तो क्लाउड की स्पेलिंग क्या होती है, सी एल ओ यू और डी, क्लाउड, ठीक है। क्लाउड किसको बोलते हैं, बादलों को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू है और डी है, तो आप यहाँ क्या भर सकते हैं, और ये क्या है, ये विंड है, ये हवा है, ठीक है, हवा ऐसे बहती ना, ब्लो करती है, तो आप यहाँ पे क्या भर सकते हैं, विंड की स्पेलिंग आपको पता होगी, तो डब्ल्यू आई एन और डी, विंड। विंड किसको कहते हैं, मूविंग एयर को, ठीक है, जो हवा चलती है ना उसे कहते हैं विंड। अब आप क्या भरेंगे, अब ये तो आपको पता ही होगा क्या है, ये क्या है, ये मून है, और मून की स्पेलिंग आपको पता है क्या होती है, मून की स्पेलिंग तो आपको जरूर ही पता होगी, ठीक है,
तो चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, आप कर लोगे इसको, क्योंकि मून की स्पेलिंग तो आपको पता ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्या है, लाइट है, ऊपर लाइट दिखाई दे रही है ना, तो आप ये क्या भरेंगे, एल के बाद लाइट की स्पेलिंग क्या होती है, एल आई जी एच और टी, लाइट। ठीक है, ये किसकी स्पेलिंग हो गई, लाइट की। अब ये क्या है, सन। ठीक है, अब यहाँ आप क्या भर सकते हैं, सन की स्पेलिंग आपको पता है, एस यू एन, सन। ठीक है, ये सन की स्पेलिंग हो गई, ये क्या है, स्टार है। ठीक है, तो स्टार की स्पेलिंग क्या होती है, एस टी ए आर, स्टार, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, स्टार। ठीक है, ये फिल करेंगे आप यहाँ पे, तो ये हो गया स्टार। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या चीज है, ये क्या है, डस्ट है। क्या है ये, डस्ट। डस्ट पता है किसको बोलते हैं, धूल के जो कण होते हैं ना, जो जब हवा चलती है तो धूल उड़ती है ना, तो धूल के जो कण होते हैं उनका क्या बोलते हैं, डस्ट। और आपने देखा होगा जब तेज आंधी आती है, हवा चलती है, तो सारी चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है, डस्ट ही डस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, आपको डस्ट की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, डी यू एस और टी, डस्ट। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये है आग, तो आपको आप क्या बोलेंगे, हीट। ठीक है, और हीट की स्पेलिंग क्या होती है, हीट मतलब गर्मी, और हीट की स्पेलिंग क्या होती है, एच ई ए और टी, हीट। तो ये आपकी हीट की स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको सारी स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है। मून की स्पेलिंग तो आप भर लेना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एम डबल ओ एन मून होता है, मून मतलब चांद। ठीक है, तो ये पजल है, इस तरह से आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से आप इस पजल को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप देखकर अपनी बुक में भी कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, चलो नेट लेट्स शेयर, चलो साझा करते हैं। ठीक है, अब शेयर में आपको क्या क्या करना है, वुड व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को इन योर लैंग्वेज, इन पिक्चर्स को आप अपनी भाषा में क्या बोलेंगे। ठीक है, पिक्चर्स क्या क्या दी गई हैं, ये आपको मून की पिक्चर दी गई है, फिर सन की दी गई है, फिर स्टार की दी गई है, और क्लाउड की दी गई है। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में इनको क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। तो आपको बताकर इसको आपको यहाँ पे फिल करना है, नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश, और फिर आपको इसको क्या करना है, इंग्लिश में भरना है। ठीक है, तो आप क्या क्या भरेंगे, फर्स्ट क्या है, मून है, तो मून को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आपको मून की स्पेलिंग यहाँ लिख देनी है। ठीक है, ऐसे करके आप फिल कर दोगे मून की स्पेलिंग, ऐसे ही यहाँ पे सन की स्पेलिंग आप फिल कर दोगे, एस यू एन सन। ठीक है, और फिर क्या है, ये है क्लाउड, अब क्लाउड की स्पेलिंग आपको फिल करनी है, क्लाउड की स्पेलिंग आप सीख ही चुके होंगे। ठीक है, सीख गए कि नहीं, क्या क्या स्पेलिंग थी क्लाउड की, सी एल ओ यू और डी। ठीक है, क्लाउड की स्पेलिंग ऐसे आप कंप्लीट कर लेना। अब ये क्या है, स्टार, स्टार की स्पेलिंग क्या होती है, अभी हमने ऊपर फिल किया था ना स्टार, तो उसकी स्पेलिंग क्या दी, स्टार की स्पेलिंग होती है एस टी ए और आर। ठीक है, जैसे आप स्टार कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इन सबको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, और आपको इंग्लिश में तो इनको ये बोलते हैं, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट राइडल टाइम, राइडल टाइम किसको बोलते हैं, पहली का समय, पहली। ठीक है, क्या है पहली, हु एम आई, मैं कौन हूं, I go up and down a lot. Go up मतलब ऊपर, and down a lot मतलब नीचे, मैं ऊपर नीचे जाता हूँ. Whether it is cold or hot, और जहाँ बहुत ठंड होती है कभी, कभी बहुत सर्दी होती है, कभी मैं ऊपर जाता हूँ, कभी मैं नीचे आता हूँ. और
कभी वेदर जो है मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, कभी बहुत गर्म हो जाता है। सम टाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं ग्राउंड में आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अदर टाइम आई एम इन द क्लाउड्स, कभी कभी मैं बादलों में चला जाता हूँ। माई नेम रैमिंग विद डॉटर, अब मेरा नाम आप रैमिंग करिए किसके साथ, डॉटर के साथ, ठीक है। आई एम योर फ्रेंड नेम, और मैं आपके, और आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा नाम बताइए। तो डॉटर के साथ आप रैमिंग करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ देखो दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको, तो डॉटर के साथ आप रैमिंग वर्ड क्या बनाएंगे, वाटर। यहाँ देखो वाटर गिर रहा है ना, बूंदे भी आपको दिखाई दे, वाटर ड्रॉप दिख रही है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाटर। डॉटर को रैमिंग में करके क्या लिखेंगे, वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, ठीक है, इसको आप वाटर कर लेंगे, तो डॉटर वाटर, ओके। ये आपका रैमिंग हो गया इसका। नेक्स्ट फिश टैंक, अब आपको ये फिश टैंक दिया गया है, लुक एट दिस पिक्चर्स टैंक, अब आपको फिश टैंक की पिक्चर्स को देखना है। राइट थ्री सेंटेंस, और आपको तीन सेंटेंस लिखने हैं ऑन व्हाट यू सी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसके बारे में आपको तीन सेंटेंस लिखने हैं। ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक, और आपको ड्रॉ करने हैं कुछ और क्रिएचर्स को, कुछ और प्राणियों को, ठीक है। ये आपको टैंक दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या क्या है ये आपको बताना है। आपको ये क्या दिख रहा है, फिश है, ठीक है, फिश दिखाई दे रही है। ये प्लांट्स हैं, ठीक है, वाटर में भी प्लांट्स होते हैं, पता है आपको, वाटर के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, वाटर पानी वाले भी पेड़ पौधे होते हैं। और ये क्या है, ये पेबल्स हैं, पत्थर हैं ये, ठीक है, स्टोन, क्योंकि जहाँ मछली के टैंक में स्टोन भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं। तो आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वाटर, वाटर में तैरते हुए आपको बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही है ना, तो आप क्या बोलेंगे, आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वाटर, वाटर में बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, स्विमिंग मतलब तैरना। आई सी मैं देख सकता हूँ, आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर, वाटर में बहुत सारे हरे हरे प्लांट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, लॉट्स मतलब बहुत सारे, ग्रीन मतलब हरे हरे प्लांट्स कहते हैं पौधों को, ठीक है, इन वाटर, पानी में मुझे बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। और आपको क्या दिख रहा है, आई कैन ऑल्सो सी स्टोन एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक, जो फिश टैंक है उसके बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे, उसके नीचे, उसके बॉटम में मुझे बहुत सारे स्टोन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टोन कहते हैं पत्थरों को, या पेबल भी बोल सकते हैं, स्टोन भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, जो फिश का टैंक अगर आपने कभी कहीं देखा होगा तो आपको पता होगा कि फिश टैंक में छोटे छोटे स्टोन पड़े होते हैं नीचे, ठीक है। तो आप ये तीन सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं कि आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वाटर, सेकेंड आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर, नेक्स्ट आई कैन ऑल्सो सी स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक, ठीक है, ऐसे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट सिंग, चलो गाना गाएं, देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है, चलो गाना गाते हैं, ठीक है, लेट सिंग मतलब गाना गाना। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, जो बारिश है वो ग्रीन हरी 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 घास पर गिर रही है, ये देखो बारिश है और नीचे आपको हरी हरी घास दिखाई दे रही है ना, इस पर बच्चा कह रहा है रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, जो रेन है वो कहाँ पर गिर रही है, हरी हरी बारिश में हो रही है। रेन ऑन द ट्री, बारिश पेड़ों पर हो रही है, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, और जो रेन है वो हाउस के टॉप पर हो रही है, घर के ऊपर रेन हो रही है, ठीक है, जो घर के ऊपर बारिश छत पे होती है ना, तो क्या कह रहा है बच्चा, द रेन ऑन द हाउस टॉप, हाउस टॉप छत के ऊपर, हाउस के ऊपर, घर के ऊपर बारिश हो रही है, बट नॉट अपॉन मी, लेकिन मेरे ऊपर बारिश नहीं हो रही है। क्या कह रहा है बच्चा कि रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, जो बारिश है वो ग्रीन ग्रास पे हो रही है, हरी हरी घास पर हो रही है। रेन ऑन द ट्री, रेन जो है वो पेड़ों पर भी हो रही है, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, और रेन जो है घर के ऊपर भी हो रही है, बट नॉट
अपॉन मी, लेकिन बारिश मेरे ऊपर नहीं हो रही है। ठीक है, ये बच्चा बता रहा है कि इसके ऊपर बारिश नहीं हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है लेकिन उसके ऊपर नहीं हो रही है बारिश। ठीक है, नाउ द वर्ड अवे डे प्ले, अब आपको वर्ड दिए गए हैं अवे डे प्ले आर रैमिंग वर्ड, ये कैसे है रैमिंग वर्ड है। नाउ कलर द वर्ड दैट रैम विथ, अब आपको इन वर्ड को क्या करना है, कलर करना है जो कि रैमिंग करते हैं, किसके साथ साथ में, इन, आपको इन के साथ रैमिंग करने वाले वर्ड में रेड कलर करना है और येलो के साथ रैमिंग करने वाले में आपको डाउन के साथ जो वर्ड रैमिंग कर रहे हो उनके साथ आपको क्या करना है, येलो कलर करना है, और जो नॉट के साथ रैमिंग कर रहे हो उनके साथ आपको क्या करना है, ब्लू कलर करना है। ठीक है, तो चलिए कलर करते हैं सब में। ठीक है, तो ये इसके साथ रेड के साथ इन आपको किसने करना है, पिंक। ठीक है, पिन किसके साथ रैम कर रहा है, इन के साथ, तो आपको पिन स्पिन, ठीक है, इन आ रहा है ना, तो आपको रेड कर देना है पिन में स्पिन में और टिन एंड फिन। ठीक है, इसमें आपको रेड कलर कर देना है। नेक्स्ट अब डाउन, डाउन किसके साथ आ रहा है, डाउन में आपको क्या करना है, येलो करना है, तो यहाँ पे देखिए ब्राउन डाउन आ रहा है ना, इसमें ब्राउन, फ्राउन, क्लाउन और ग्रोन, ड्रॉन, क्रॉन। ठीक है, इनमें आपको येलो कर देना है। नेक्स्ट ब्लू कलर, नॉट के साथ आपको ब्लू करना है। अब देखिए नॉट का ड्राइविंग किसमें हो रहा है, डॉट। ठीक है, स्पॉट, हॉट, कोड और पोर्ट, इनके साथ आपको ब्लू कर देना है। ठीक है, ऐसे आपको इनको कंप्लीट करने हैं सबको कलर करके। ठीक है, नाउ लेट्स राइट, चलो लिखते हैं, लेट्स राइट मतलब चलो लिखते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, ये पिक्चर आपको दी गई, इसे आपको देखना है एंड फिल द ब्लैंक्स, और आपको ब्लैंक्स को फिल करना है फ्रॉम वर्ड इन बॉक्स, जो कि वर्ड बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, रिवर, पॉन्ड, सी और लैक। ठीक है, तो आपको देखना है क्या क्या हो रहा है इस पिक्चर में, क्या हो रहा है, द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। अब शिप तो किसमें सैल होती है, सेलिंग का मतलब तैरना। ठीक है, सेलिंग का मतलब तैरना, तो जो शिप है ये पानी वाला जहाज आपको दिख रहा है वो किसमें तैर रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है, समुद्र के अंदर चल रहा है। ठीक है, सेलिंग मतलब चलना, जो समुद्र के अंदर चलने वाले पानी में चलने वाली चीजों को सेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पानी के अंदर चल रहा है, तो ये किसमें चल रहा है, समुद्र में। ठीक है, ये जहाज ये शिप किसमें जा रहा है, समुद्र में। ऐसे ये क्या है, रिवर, ये रिवर पहाड़ों से निकल रही है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से रिवर निकल रही है, रिवर जो बह रही है, नदी बह रही है, कहाँ से बह रही है, माउंटेन से, द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, अब इस वाली पिक्चर में क्या हो रहा है, डक है, ये तैर रही है, अभी कहाँ तैर रही है, द डक इज स्विमिंग इन द लेक, जो डक है वो स्विम कर रही है कहाँ पर, लेक में। ठीक है, लेक में स्विम कर रही है डक। अब ये फ्रॉग है, फ्रॉग कहाँ पे है, द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, जो मेंढक है वो छोटे से तालाब में रहता है। ठीक है, तो पॉन्ड किसको बोलते हैं, तालाब को। ठीक है, द फ्रॉग लिव्स, फ्रॉग रहता है, मेंढक रहता है इन द पॉन्ड। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आपके फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट किए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप तो कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो यहाँ पे आपको एक बेल का आइकॉन दिखेगा। ठीक है, उसे भी आपको हिट कर लेना है। ठीक है, उसे भी आपको हिट कर लेना है, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।